And I'll make a cup of coffee with the rind and all the sugar. How you like it? How you like it? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सीन बेसिकली ये है, पहली बार बोला है ना, है ना। इसके अलावा भी दो इसमें और चीज आती है वो मैं भूल गया हूँ, बेग साहब अगर देख रहे होंगे तो ये जरूर कमेंट करके बताएगा। दो लफ्ज इसके एडिशनल और आगे आते हैं फॉर एक्स्ट्रा सवाब, यू नो। तो मैं बताता हूँ गेम वीडियो क्या होने वाली, आज की वीडियो होने वाली है। आप लोगों ने पहले देख लिया होगा मेरे सामने, मेरे बोलने से पहले ये पांच कागज हमारे सामने लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। गेम बेसिकली ये है कि आमना के पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इसने मुझे नहीं बताई हुई, शी हैज केप्ट इट रियली कॉन्फिडेंशियल। और कहानी ये है कि अब वो मुझसे स्टेटमेंट पूछेगी, अब जो स्टेटमेंट पूछेगी तो वो खुद भी अपना ओपिनियन बताएगी, उसके ऊपर से हम लोग फिर अपने अपने जस्टिफिकेशन देंगे इन एवरी सॉर्ट वे और फॉर्म इट कैन हैपन। तो ये मेरी जितनी मर्जी कॉपी कर ले, यू कैन नॉट कॉपी द मोस्ट परफेक्ट मैन इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, हूँ ना, हूँ ना, हूँ ना, मानते हो, मानते हो, आए 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 मान गए, ठीक है, डिसएग्री नहीं किया, स्ट्रॉन्गली एग्री। जैसे ही मैंने ये पूछा ना, ये बॉटल उस तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन मैंने रोक लिया अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं इससे पहले बकवास करता रहूं, वीडियो की लेंथ बढ़ती रहे, बढ़ती और एडिट मुझे ही करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब गेम ये है कि बगैर किसी ब्ला 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 टाइम वेस्ट किए हुए गेम शुरू किया जाए और देखते हैं क्या सीन है। इनको कुछ बता दें, वो बता दें, वो बता दें, बता दें कि वो दूसरा सेगमेंट भी है, कि दूसरा सेगमेंट भी है। चलो थोड़ी सी मिस्ट्री रखते हैं, नहीं नहीं मैं बता दूं, मैं कहता हूं बता दो, बता दो भाई, मैं बताता हूँ। दो 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 सेगमेंट हैं इस वीडियो के, क्योंकि हमने कहा वीडियो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बनाई जाए, एक कंटेंट नहीं दो कंटेंट को मिला के टू इन वन हो जाए। तो दूसरा कंटेंट क्या है, दूसरी सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट तो खत्म होने वाला, पहला सेगमेंट खत्म होगा तो दूसरा आएगा ना। तो शुरू करते हैं पहला सेगमेंट। पहली स्टेटमेंट की जाए, ये कौन बने करोड़पति वाला था। चलो पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पेश करें सामने। नो डाउट्स, मैं अंधा हो भी होता ना तो मैं ये भी कहता स्ट्रॉन्गली एग्री। मैं बहरा भी होता, मैं जो भी होता, मुझे पता होता कि जैद तो नाम में ही, नाम में टैलेंट है। अब रिसेंटली जैद फनी होना शुरू हुआ है। रिसेंटली फनी नहीं होना शुरू हुआ, ये पहले एक्नॉलेज नहीं करती थी, जब लोगों ने बोला है ना तो कहती है हाँ यार वाकई में। आज बेइज्जती नहीं करनी थी, आज स्ट्रॉन्गली एग्री किया था कि बेइज्जती नहीं करनी। चलो बेइज्जती नहीं करनी, आई टेक माय वर्ड बैक। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज आराम से सोच समझ के, न्यूट्रल। ये तो मैं इसलिए न्यूट्रल बोलूंगा, पहले मैं अपने बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद बड़ा सफाई कॉन्शियस हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मेरे रूप भी साफ है। अभी अभी मैं आपको बोल रहा था, मैं अगर होता स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, मैंने इसलिए न्यूट्रल बोला क्योंकि बड़ा कंपटीशन है वैसे, कि पता नहीं किसकी सफाई ज्यादा अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है मैं ही जीत लूंगा, क्योंकि मैं अपने शूज भी बॉक्स में रखता हूँ, अपने कपड़े भी उतार के फौरन हैंगर में लगाता हूँ, हर चीज मैं करता हूँ। जाओ अभी जाओ, जाओ पहली फुर्सत में जाके देखो, पहली फुर्सत में। चलो चलो अभी हो जाए तीसरा स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, झूठ नहीं बोलते, अभी पता लग जाएगा इनको। अच्छा आप लोग मुझे खुद बताएं, मैंने मेरे कमरे में कितनी वीडियोस बनी है, कभी कुछ कभी आप लोगों को दिखा है कुछ गंदा? नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? दिखा है, पहली दूसरी वीडियो आप लोग जाके देखिए। बस बस बात दबा दो, अब दबा दो ये बात। अच्छा अगला है, बॉटल अपना पकड़ लो, है ना, डिसएग्री, डिसएग्री। मैं तो मुझे पता है मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो मेरा तो मुझे पता है डिसएग्री क्यों, कभी-कभी कभी-कभी। हां चलो ठीक है, माना इस पे हम लोग, ये वाहिद एक ऐसी स्टेटमेंट अभी तक आई है, खुलासा ये किया जाता है जिस पे हम लोग एक कंक्लूजन पे। अगला है इस पे लड़ाई होएगी, नहीं नहीं बता दो तुम, हमने कॉलेज जाते समय फाइट। हां वैसे हाँ वैसे एग्री करता हूँ मैं, क्या करूँ, डिसएग्री। तुम डिसएग्री करती हो,
मेरा ख्याल है तो ही, मेरा ख्याल है वैसे ही। मोस्टली तुम करते हो। हाँ वैसे मोस्टली मैं ही करता हूँ, लेकिन आपको पता है। हाँ। So मैं disagree। मैं सर नो इतना अच्छा, मैं सॉरी मैं भूल जाता हूँ। चलो अब बताओ आगे। तुम्हारे पास बहुत कुछ सॉरी करने के लिए होता है। अब क्या अगली स्टेटमेंट पेश की जाए जैद के महल में। क्योंकि बाद में क्या पता हो जाऊं, क्या पता बाद में हो जाऊं, क्या पता ना हो, किसी ने देखी है बात की भाई। Strongly disagree. Actually, कुछ चीजों का disagree है जाए। वो है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इतना इतना इतनी इतना नहीं करना चाहिए। इतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा। अगला सवाल, अगली स्टेटमेंट ये है रैपिड फायर मैक्स एक्स नॉस पे लगा हुआ है। मैं बस कह रहा हूँ जल्दी जल्दी सवाल उठे। ये बहुत ही मुश्किल एक सवाल है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ना प्रॉपर हम बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को जो है बड़े बड़े ब्रांड्स उनसे पूछेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बात ये है कि ये देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है भाई, मेरा ओपिनियन मुझसे छीना जा रहा है, किधर गया वो हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो नहीं नहीं पिंजरा विंजरा कुछ भी नहीं आएगा। मैं बताता हूँ इस पे मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक माई फैशन सेंस इज गोइंग गेटिंग गुड एंड गुड डे बाई डे, तो अभी मैं फिलहाल ताकि आहिस्ता आहिस्ता डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री की तरफ गेम आती चली जाएगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़ैद विल बी द न्यू फैशन आइकॉन ऑफ द लाइक होल यूनिवर्स। आई गेस आखिरी सवाल आने वाला है। ओह स्ट्रॉन्गली एग्री एंड डिसएग्री, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है मैं अपने बारे में क्या तारीफ करूं, तो आई जस्ट वांट टू थैंक मायसेल्फ फॉर एवरीथिंग and my admission, my dedication, my strong work, my enthusiasm towards life, my motivation towards being good to everyone. Guys, इतनी अंग्रेजी मैंने बोल ली, मेरी ज़बान की टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, रात के 8 बज रहे मेरा दिमाग। तो ये है कि पता लग गया होगा आपको कि कौन किस में न्यूट्रल है, कौन किस में ओपिनियन किसका ठीक था, तो आई लेट यू गाइज बी द जज और देखें के क्या राय बेहतर। मुझे लगता है आप लोग मेरी साइड पे ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब आपने हाँ, अब आज हो जाए कॉम्पिटिशन, ये जो देख रहा है वो कमेंट करे टीम आमना इफ आमना, टीम जैद इफ टीम जैद, सब टीम मेरा ख्याल है टीम जैद ही होना है यार, क्योंकि लेकिन नहीं चलो मैं बोलता हूँ, अगर आपने आमना को जिताया तो ये इसके लिए बहुत मोटिवेशन होगी। तो ये है कि मैं ऑल्दो शी इज माय ओपोनेंट इन दिस कंपटीशन, लेकिन मैं बोलूंगा चलो बड़े जेनरस हो, बड़े थोड़ा सपोर्ट कर, एक दो वोट इसको भी दे देना, बकाया सारे मेरे। तो अब हम दूसरे सेगमेंट, अच्छा हाँ उसे दूसरे सेगमेंट से मुझे याद आया, इस वीडियो के हैं दो सेगमेंट थे तो मैं बताने भूल गया था, ये एक सेगमेंट हो गया खत्म। आई होप यू गाइस लाइक इट। दूसरा सेगमेंट क्या होगा, दूसरा सेगमेंट क्या है, नाच लेते हैं, नाच लेते हैं, मैं टाइम दे देता हूँ, 9 बजने वाले। अच्छा दूसरा सेगमेंट क्या है, पिक्चर्स वाला, पिक्चर्स में क्या होगा मुझे ना बताओ, उनको बताओ, वो कैमरे की हम लोकेशन चेंज करेंगे गाइस, हम तो बैठ के नहीं कर रहे, लोकेशन चेंज करके आपको बताते हैं और चलते हैं आउट। पहला सेगमेंट हो गया खत्म, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इतनी ऊंची हो, पहला सेगमेंट हो गया खत्म, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, ठीक है। और दूसरा ये कि अब हम करने वाले हैं दूसरा सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट ये इसको बोलने दे, बोलो बोलो बोलो, उनको माइक लगा हुआ है लेकिन वो ऐसा माइक नहीं है कि वो बिल्कुल वो इतने भी साउंड सुन ले, इतना नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे रोड वालों को या बोया वालों को स्पेशली बिस्पोक बनवाना पड़ेगा कि वो इतनी विस्परिंग की आवाज सुन सके, ऐसा नहीं होता। खैर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा सेकंड सेगमेंट नहीं, मैंने तो वेस्ट करना है टाइम, और इधर मैं आपको सीक्रेट बताऊं, मैंने तो वेस्ट करना है टाइम, जगह बोली थी ना चेंज करने को भाई, सब फेक है, हमने वहां बैठे थे अभी यहाँ आ गए, कैमरा उधर हो गया, जगह वही है भाई, जगह जगह चेंज समझ आ गई होगी,
मैंने कहा शायद ना समझ में बहुत ही आउटरोस इस कमरे में हुई है। हाँ आउटरोस तो ही, लेकिन क्या पता था कि इसका बैकग्राउंड वो हो, इसका बैकग्राउंड ये है, तो लेकिन मैंने कहा इससे पहले आप लोग सोचे मैंने खुद ही ये कर दिया है बात। बट टाइम तो वेस्ट करना है, टाइम तो वेस्ट करना है, आपको पता है मिनट तो बढ़ाने हैं वीडियो के, लंबी वीडियो तो करनी है, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा चलो घर जो भी मतलब था, सेकंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो ये है कि आमना क्या वीडियो है सेकंड ऑफ द सेगमेंट, सेकंड ऑफ द सेगमेंट ऑफ द वीडियो क्या इसके साथ फिल्म करना बहुत फनी है। अच्छा हम पे क्या मैं समझाऊंगा? हाँ बेटी समझाओ ना, मुझे क्या मतलब मैं समझाऊंगा, मुझे समझाओ और क्या समझाओ। हम डिफरेंट क्वेश्चंस में बोलूंगी जिसके अकॉर्डिंगली हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे जो हम दोनों की हैं इकट्ठे, बोलेगी कोई भी मेमोरी हो सकती है, कोई एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरी जो हमारे इन सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स में जो पड़ी हुई फॉर्म हो, तो हम वो दिखाएंगे कि उस स्टेटमेंट से हमें कौन सी पिक्चर मेमोराइज हो रही है, वही दिखाएंगे आप लोग को, और इसी बहाने कुछ गुफ्तगू हो जाएगी, मजा चाय तो है नहीं, गुफ्तगू हो जाएगी, बस समझ गए तुम्हारी बात से मुझे कुछ समझ नहीं आई, बट ये आप लोग के लिए नहीं है, थोड़े से जो थोड़े लोग होते हैं उनके लिए था। तन 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 ये दूसरी बार है, नहीं नहीं पहली दफा है जी, नहीं पहले अच्छा, अच्छा पहले सेगमेंट में मुझे लगा ये दूसरी वीडियो शूट हो रही है। अच्छा बताओ जल्दी पूछो। अच्छा फोन निकालो अपना, पिक्चर निकालनी हमेशा मेरे हाथ में, पहली पिक्चर निकालनी पिक्चर ऑफ व्हेनेवर यू वर द हैप्पीएस्ट, क्योंकि अब तुम कुछ है नहीं। ये तो मुझे याद है हॉन्टेड हिल की बात है आई थिंक, ना गुड टाइम, आप लोग भी देखेंगे पिक्चर, अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम था, अच्छा ना था। मेरी दाढ़ी प्रॉपर नहीं आई थी, अपनी दिखाओ, अपनी तो मैंने दिखाई थी, मुझे बर्थडे चाहिए। हाँ ये मैं भेज देता हूँ, ये अच्छी है ना, मुझे इस दिन की सारी पिक्चर्स हैं। हाँ अच्छा ये है बेसिकली मेरे भाई की शादी की पिक्चर, तो दिस वाज बैक इन 2018 दिसंबर, तो इस वक्त मैं हाफ गुड लुकिंग था, मैं फुल गुड लुकिंग हो चुका हूँ, आई एम इन माय एडवांस प्रो प्रो लेवल, तब भी थे तब तो मैं यार असल में मॉडर्न हूँ मैं, मेरी फितरत में ना। और अगली अगला सवाल अगला क्या था, पिक्चर ऑफ अस एज बेबीज, बेबीज मेरे पास है, picture of us as babies, yes guys जैसे आप देख सकते हैं पेपर है, टन 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 तुम्हारी मेरी एक ही है क्योंकि हमारी दोनों की पिक्चर पहले आती होगी। ये है गुड ओल्ड टाइम्स, ये आप मेरे राइट साइड पे देख सकती हैं, नम्रा है लेफ्ट साइड पे देख सकती हैं आमना है, आप लोग हैरान होंगे, ये बीकन हाउस की पिक्चर है बेसिकली, और ये बीकन हाउस का ऑडिटोरियम है, कोई इवेंट था मुझे याद नहीं है इसके ऊपर लिखा हुआ होगा कुछ, मैं मेरे ख्याल मार्केटिंग मार्केटिंग में था, पता नहीं किस में था, खैर ये अब कहानी ये है कि बस ये कहानी है, ये 2012 की पिक्चर है, 12-13 की पिक्चर है बेसिकली, है ये मेरे बिल्कुल नई नई आमना के साथ दोस्ती हुई थी, आई थिंक कोई दो हफ्ते हुए होंगे मैं इसको नम्रा के थ्रू जान, दो हफ्ते मैक्सिमम पहली दफा उस बाइक गैदरिंग की थी, बिल्कुल बिल्कुल दो हफ्ते मुझे याद आ रहा है, तो ये थी कहानी। और उसके बाद अब अगला सवाल क्या है, सवाल नहीं है वही पिक्चर पिक्चर मोनोपोली खेल रहे थे, ये भी हमने बुकरेज छोड़ा था, अभी भी है कार्ड गेम्स का, जिसके आप साइड इफेक्ट देख रहे हैं, कभी ये गेम कभी वो गेम कभी ये गेम कभी ये चैलेंज, ये तो हाइकिंग की है ना पिक्चर, बहुत अच्छा दिन था यार ये, बहुत अच्छा दिन, इंपॉर्टेंट पिक्चर ऑफ आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर, पिक्चर ऑफ आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर, यस मेरे पास है
पिक्चर है तुम्हारे पास? यस। मेरे पास भी होगी ये यार। ये ओह, ये सारी सेव कर लूंगी, सारी दिन मुझे भेजनी है। ये पिक्चर है, ये आप इसमें देखें, मैं हूँ, दुआ है, जिशान है, जिशान जो नहीं जानते बाय द वे जिशान है मेरा कजन, ही इज इन टर्की, अब तो टर्की में फिलहाल। शाउट आउट टू जिशान अगर वो वीडियो देख रहा है तो। बाकी दुआ है, आमना है, मैं हूँ। शिट यार, वो पिक्चर मेरी तुम्हारी ज्यादा अच्छी पिक्चर है। आई नो, मेरी हर चीज ही बेहतर है। स्टॉप इट। लेकिन मैं इससे भी, मेरे पास अच्छा पुराना टाइम मैंने निकाल दिया था। हाँ, मैं वो निकालने लगी थी, मेरे पास भी थी। ये देखे अली हमजा की शादी की पिक्चर निकल रही है। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, उसकी शादी वॉज वन ऑफ द लाइक अच्छी अच्छी चीजें थी हमारी लाइफ की, क्योंकि हम सारे दोस्त एक डिफरेंट सिटी में जाके शादी अटेंड करना बहुत शिट था। लेकिन ये कि आप लोगों ने अगर शादी, उसकी शादी का तो आप खैर सबको उसने इनसाइड आउटसाइड सब कुछ पता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं दूर दूर समवट दोस्तों के साथ गई। बट ये कि मेरे दिमाग में आइडिया था कि क्यों ना मैं, आमना, नम्रा और हम, अनिया और बलोच, हम सारे जो शादी के लोग थे ना, हम सारे बैठ के उस तरह की ना, अभी वैसे हाँ यार अभी तो उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, तो हम क्यों ना इस तरह की वीडियो बनाए। अगर आप लोग इस पे और इसको करें कि हम लोग सारे बैठ के ना वो दिन सारे मेमोराइज करेंगे, अपने अपने बिट्स एंड पीसेस बताएंगे, तो दैट विल बी अदर कंटेंट फॉर यू गाइस। तो ये मुझे बताया अगर आप लोग को ये चाहिए। लेकिन मैं क्या कहने की थी, मेरे पे था ना कि मैं सिर्फ नहीं आ सकती थी, बट ये आउट ऑफ सिटीज का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जाना, लेकिन ये कि फिर भी लकीली शी गॉट द परमिशन, तो हम लोग गए, बहुत फिट मजा आया। तो दिस सम्स अप द सेकंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो। काफी हमने नॉस्टैल्जिक कर दिए, पुरानी पिक्चर्स, पुरानी वीडियोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे अच्छे टाइम में मिले। ओह माय गॉड, मेरी सारी पिक्चर्स बहुत पुरानी वाली थी, जो पता नहीं कितने सालों पुरानी बात है, जब हम पहली दफा मिले थे। हाँ, तो ये है क्रेजी, तो ये कुछ हो गया, बहुत कुछ। तो ये के That sums up ये वाली सेगमेंट, और आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोगों ने इस दफा दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट को मिक्स करके एक वीडियो बनाई, ताकि आप लोग को थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट चीज मिले थ्रू आउट द वीडियो। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो वो बताएं। टीम जेड, अब आप लोगों के तीन काम है, टीम जेड, टीम आमना, ये वोट करें। वो टीम जेड कहेंगे, चले आप जो भी कहें, जेड आमना जो भी आपने कहना कहें। नंबर वन वो, नंबर टू क्या था, नंबर टू उनका काम क्या था? नंबर टू उनका काम ये था कि जो मैंने भी आपको आइडिया दिया वीडियो का, कि अली हमजा की एनिवर्सरी वाली वीडियो जो वाली जो सीन है, अगर वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हम सारे बैठे और डिस्कस करें, थोड़े गपशप मारें, हैव अ कैजुअल चैट ऑन दैट डेज या जो भी, तो ये है बात। और आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और इस बात पे हम करते हैं वीडियो खत्म। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कोई अच्छे कॉन्टेंट के साथ। और ये मैंने पता नहीं कोई एक एपिसोड में देखा था, तो मैंने वो चीज टेप दी अभी, कि फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे एपिसोड के साथ, एक दिलचस्प कहानी के साथ। और कहानी वो मैं बताऊंगी, कहानियां बदलती रहेंगी बट कहानी बताने वाले रहेंगे, नहीं रहेंगे, सेम रहेंगे, कहानी के जो लिखक है वो ही रहेंगे। इस बात पे वाह वाह इरशाद, और खुदा हाफिज, और अपना ख्याल रखें, दिलों में याद रखें और ख्यालों में याद रखें, और ये बात चलती रहेगी। इससे पहले मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और मैं वीडियो खत्म करने लगा हूँ। यार रात होती जा रही है और इतनी ठंड हो गई है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभी टेम्परेचर देखा जाए तो 7 degrees हो रहा है, 7 degrees फील्स लाइक आई थिंक 5 होगा, लेकिन दिखा 7 degree रहा है। अच्छा खैर, सीन ये है कि रात हो गई है, अब रात के बज रहे 11:15, और अब टाइम आ गया है मेरे सोने का, क्योंकि अभी टाइम पे सोऊंगा ना तो सुबह टाइम पे उठूंगा। अच्छा, मैं किस कहने के लिए मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया था, क्या कहने के लिए, हाँ शाउट आउट देने के लिए। अब आप लोग को पता है यार, आप लोग इतने स्वीट स्वीट कमेंट करोगे तो मेरा दिल कैसे नहीं ललचाएगा कि मैं सबको शाउट आउट दूँ। ऐसा ऐसा शाउट आउट की तादाद बढ़ती चले जा रही है, और मैं यही चाहता हूँ कि बस इसी तरह का आप लोग स्वीट स्वीट कमेंट्स इतने सारे लोग करें कि लिटरली मतलब मैं शाउट आउट दूँ तो वो 10-15 मतलब शाउट आउट के लिए एक अलग व्लॉग बनाया जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। तो शाउट आउट आज जा रहा है आज का इस वीडियो का एल्सा सारू को, दानियाल शाह, उमैमा खान, उस्फा हसना, सलमान आरिफ, मलिक ऐश, उरूबा सना, तमकीन खान, अनब तैयब, इरम तनवीर, अलीना शाहिद, सफ़ा अजैब, और उसके अलावा किरण गफूर, महा इमरान, हिना खान और तौकीर अहमद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग के स्वीट कमेंट्स, यू डोंट इवन नो व्हाट दैट मीन्स टू मी, दिस मीन्स अ लॉट। और लिटरली आप लोग जो भी मुझे स्वीट कमेंट्स करते हैं, मैं एक एक कमेंट गौर गौर से पढ़ता हूँ। इसी तरह मैं जो बोल रहा हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आपने लाजमी दबाना है। और उसके अलावा कोई अच्छी वीडियो की सजेशन मिले ना, जो आपको दिमाग में है कि नहीं यार ये जैद को ज़रूर देना है, बस बगैर किसी इंतज़ार के टाइप करें कमेंट्स में कि आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाह रहे हैं, किसके साथ वीडियो देखना चाह रहे हैं, और
किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग जो वीडियोस मुझे बोलेंगे मैं जल्द से जल्द आप लोगों की ख्वाहिशात फुलफिल करूं, क्योंकि यार मुझे करना आता है शूट करने में मजा, और आप लोग मुझे सजेशंस देंगे, टॉपिक आपका, शूटिंग मेरी। और पता नहीं मैं एक तो कैमरा खुलता है ना, ये बोलो वो बोलो यहाँ बोलो यहाँ बोलो, मुझे पता भी नहीं होता हाफ ऑफ द टाइम कि मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ या लॉजिकल बात कर रहा हूँ। खैर मूव करते हैं, अब इतना चार्ज होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है सोने का, तो सोते हैं और मिलेंगे आपको एक और व्लॉग में किसी और अच्छी चीज़ के साथ और किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। I can fly.